ब्लू बैंक प्रोडक्शन के बैनर तले सांस्कृतिक संध्या हिडन नोशन के तत्वाधान में इबादत वीडियो एल्बम सॉन्ग प्रोमो और पोस्टर लाल डिग्गी स्थित होटल अलीगढ़ में अलीगढ़ के गायक कलाकार रॉय हिमांशु सिंह एवं लेखिका पूर्णा सिंह की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड से पधारे फिल्म डायरेक्टर परवेश खान, विशिष्ट अतिथि फिल्मी गीतकार अवनीश राही, लेखक RS आघात, लाइफ कोच रोहितास कुमार पिक्की एवं फिल्म अभिनेता राजा राणा ने भाग लिया। इससे पूर्व रॉय हिमांशु सिंह का महक कारुणिक द लॉर्ड बुद्धा बहुचर्चित एल्बम जारी हो चुका है, जिसमें रॉय हिमांशु सिंह ने अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के साथ अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। इबादत एल्बम का फिल्मांकन देहरादून, दिल्ली व अन्य जगहों पर किया गया है। यह एल्बम 21 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसमें दिल्ली की अभिनेत्री बुद्धि मित्रा ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर फिल्म डायरेक्टर परवेश खान ने कहा कि प्रतिभा व जुनून के साथ प्रोफेशनल तैयारी बॉलीवुड में विविध मंच प्रदान करती है, इसके लिए तैयारी व धैर्य बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को बॉलीवुड में जाने के लिए मार्गदर्शन व सहयोग करने को तैयार हैं। फिल्मी गीतकार अवनीश राही ने समाज व राष्ट्र की विसंगतियों को उजागर करती अपनी एक रचना सुनाकर वाह वाह लूटी। इस अवसर पर साहित्यकार अमर सिंह राही एवं समाज सेवी जगदीश चंद्र की गौरवमयी उपस्थिति में कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी गई। इस अवसर पर हिडन नोशन संस्था के संस्थापक मिर्जा हन्नान बेग ने कहा कि हिडन नोशन संस्था एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म है जो युवाओं की सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों पर प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम में नियाज खान, जीशान खान, अनीस आदि का सहयोग सराहनीय रहा। इस अवसर पर संस्था की कई प्रतिभाओं ने गीत, गजल, कविता व कॉमेडी आदि के माध्यम से प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में संस्था के संस्थापक मिर्जा हन्नान बेग ने सभी आगंतुकों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। मैडम, किस तरीके से आपने इस मुकाम पे नहीं लिखे आई है, किस तरीके के सॉन्ग आपने, कितने सॉन्ग लिखे हैं? अभी तो शुरुआत है, लिखना सीख रही हूँ और ये गाना लिखा है मैंने। मैं राही सर को बहुत फॉलो करती हूँ तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिली है और जितने भी नॉवेल्स हैं वो मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ से वर्ड्स आते हैं। इबादत सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो कुछ इस तरह से, इबादत मैं करूँगा तुझे चाहने से पहले, धड़कन थाम लूँगा तुझे देखने से पहले। ये आपके दिल में कैसे आया कि मुझे सॉन्ग लिखना है? ये थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का है। आजकल की जो मोहब्बत है लोग देखते हैं मोहब्बत हो जाती है, मैंने जो लिखा है वो ये है कि बगैर देखे मोहब्बत ही। मिर्जा हन्नान सर, किस तरह का प्रोग्राम किया आपने? मैं एग्जैक्टली हिडन ओशन का फाउंडर हूँ, तो हिडन ओशन एक टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि टैलेंट को निकालना या टैलेंट को हंट करना, या आप बच्चों में से टैलेंट को निकालते हैं, खोजते हैं, नए प्रोग्राम को आप इनिशिएटिव लेते हैं कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, बच्चों को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को आगे तक लेकर जा सकते हैं बच्चों के तहत। जो कि आजकल की जो जनरेशन है वो बच्चों के अंदर ये है कि उनके अंदर करने की क्षमता तो बहुत है लेकिन बस उन्हें माहौल नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को करने का, तो बस वही एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की हिडन मोशन के तहत। जी सर, कितने समय से चला रहे हैं ये? हमें अभी 6 मंथ्स हुए हैं लगभग, ये स्टार्टअप है, 6 महीने से ही अभी तक हमने रन किया है और इतने लोगों की मोहब्बत की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे का सर मैसेज क्या है? आगे का मैसेज ये है कि इन लोगों की जिस तरीके से मोहब्बत आज तक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ती रहेगी। जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं आके, हमारी इनके प्रति, इनके हमारे प्रति, और आगे यह है कि आगे बहुत प्लान है कि आगे हम बहुत दूर तक जाने देखते हैं इन लोगों के साथ, अपने सब लोगों के साथ। कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? ऊंचाइयों तक की कोई सीमा नहीं है सर जी। कि ऊंचाई तो आप ऊपर सर उठा के देखेंगे, आप जिस ऊंचाई तक देखेंगे वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी जहां तक पंछी उड़ रहा है। अच्छा, ये किस एल पी, कौन सी एल्बम है जो आपने इसका प्रोग्राम रखा गया है? ये हिमांशु सर की एल्बम है जिसका नाम इबादत है। इनका मैंने थोड़ा सा टीज़र सुना है, टीज़र देखा है, टीज़र लॉन्च हुआ है, बहुत खूबसूरत है और 21 तारीख में इनकी ये रिलीज़ भी हो रहा है पूरा वीडियो, जिनको ये पूर्णा जी ने जो है लिखा है अपने खूबसूरत हाथों से और अल्फाजों से, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस एल्बम को क्रिएट किया है। अवनीश राही, सबसे पहले तो मैं आज इबादत जो एल्बम रिलीज हो रहा है उसकी पूरी टीम को तहे दिल से ढेर ढेर शुभकामनाएँ, बधाई। और जैसे कि हिमांशु सिंह का ये जो आज एल्बम रिलीज हो रहा है, ये इसका मैं समझता हूँ 30 एल्बम है, और जो पहला एल्बम इन्होंने जो किया था वो मैंने ही करवाया था मुंबई में, द लॉर्ड बुद्धा महाकारुणिक, बहुत ही खूबसूरत एल्बम था जिसमें इन्होंने जो है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जी के साथ में इन्होंने सिंगिंग की थी। और मुझे अभी तक याद है जब कुमार सानू जी ने कहा था कि यार ये तो बहुत एक नई
नई हवा का झोंका आया है मुंबई में, तो बड़ा अच्छा इन्होंने गाना गाया था। और मैं समझता हूँ एक अनुराग पोडवाल के साथ में भी ड्यूट था इनका, और एक कुमार सानू साथ में ड्यूट था, तो बहुत अच्छा एल्बम रहा है। और ये जो भी एल्बम जो आज रिलीज हो रहा है ये रोमांटिक है, और अभी जैसे कि उन्होंने गुनाना है मैंने भी अभी सुना, तो मेरी तरफ से हृदय की अनंत गहराइयों से अनेक अनेक शुभकामनाएं आशीर्वाद कि ये बेटा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और अलीगढ़ ही नहीं पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में, देश में और बाहर तक अपना नाम रोशन करें, ऐसी मैं प्रकृति से कामना करता हूँ। और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ख़ासकर पूर्णा जी जो मैंने अभी देखा अभी नई नई बिल्कुल कलम एक जो है अभी जगी है, और अभी इतना अच्छा खूबसूरत में गीत लिखा उनके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं है, प्यार है। कभी ये मुझे